सरकार है और वैसे ही हमारी मोदी सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था भी की है, बेटियों को आगे बढ़ाई है। तो आज हमारी बेटियां जिला लेवल पे खेल रही हैं, नेशनल लेवल पे खेल रही हैं। मैं तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल के जीत के आए और देश का मान सम्मान आगे बढ़ाए। बेटियों से यही अनुरोध है। यह गांव है, सम्मान देना जानता है, सबको आगे बढ़ाना जानता है। गांव की माटी में पली बढ़ी बेटियों ने आज इस गांव का नाम रोशन किया है और आज इस गांव सारंगपुर ने हर उस गांव की बेटियों के नाम एक ऐसा सम्मान समारोह रख दिया जिसके बारे में न सरकारें सोचती हैं न समाज सोचता है। वाकई हिसार के गांव सारंगपुर ने एक नया तरीका, एक नई रीत शुरू की है, शुरू उन बेटियों को सम्मानित करके जिन्होंने खेला है और खेल को आगे बढ़ाने के साथ साथ गांव की अपनी माटी की महक को देश दुनिया के सामने रखा है। इस गांव की पूरी खबर हमारे साथी राम प्रकाश ने की है और आप इस खबर को देखिए और जानने समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी बेटियों की यह हनक दुनिया कैसे देख रही है। हरियाणा की यह बेटियाँ, देश के अलग अलग इलाकों से आई हुई बेटियां यहां न सिर्फ सम्मानित हो रही हैं बल्कि हमें उस अच्छे पल का मौका दे रही हैं जिसके हम साक्षी बने, क्योंकि यह हमारा सौभाग्य है अपनी इन बेटियों का सम्मान करना और इन बेटियों का सम्मान करने के चक्कर में अपने आप को इतिहास में दर्ज करा लेना। अगर यह बेटियां नहीं होती तो यह सम्मान समारोह नहीं होता और इस सम्मान समारोह में सब कुछ है। सनातन वाणी की अपनी धमक, विष्णु नारा लगाते हुए लोग और समाज के अलग अलग तबकों से आए हुए वो लोग जिन्होंने माना है कि बेटियां कमाल का खेल रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कौन है खिलाड़ी को जीवन और फौजी को जीवन कितने चादर विशाल होना पड़ सके वो जीवन है और बाद में ढाई किलो बोझ रखी हो मेरे ढाई किलो वजन दस दिन में भूखा रहा मैं बिस्कुट और चीना टाइम पास बच्चे भी हगड़े आगे भगवान। ये रास्ता इस जिला लेन के ऊपर वो भी आपने प्रबंध करने को ले लिया अंग में बहुत बहुत धन्यवाद। फल है उधर एक तंग पुलिया जहाँ से हमें साधन लाने में दिक्कत हो रही है, 50 फुट से ज्यादा का इन्होंने जो है वो खाड़ पक्का करके और उसके ऊपर पुलिया बनाने का काम इन्होंने अपने हाथों से सौंपा है और एक रास्ता जो इस किला लेन पे है यहाँ कथास्थल में पहुंचने तक के अर्जो रोड है वो ये पक्का करवाएंगे। मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। एक ओपन जिम भी यहाँ बनाने का जो है अपनी मंजूरी दे दी है, काफी अच्छा काम बच्चों के लिए होने जा रहा है। बोलो विष्णु भगवान की। पुत्री उमेश जिम से ये स्टेज पे जाए। और ये जो पुलिस से हैं, समाज सेवक हैं गांव में खैरमपुर में, तो ये जो बच्चियों को यहाँ सारंगपुर में सॉरी, और ये बच्चियों को यहाँ सम्मानित करते हुए आप साफ देख सकते हैं और साध्वी जी भी यहाँ, साध्वी जी की तरफ से भी जो है बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है कोमल पुत्री और अपना जिनको यहाँ सारंगपुर में जो है सम्मानित किया जा रहा है। ये अलग अलग जिलों से बच्चे जो है खेल करके आए थे और आज इन्हें जो है सारंगपुर में यहाँ मान सम्मान दिया जा रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। लगातार मैंने आपको कहा था आप ताली बजाते रहे। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को भी खेल में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं और सरकारी स्कूल में अपने से कमजोर हो रहे हैं और आपको बता दूं कि प्राइवेट में जाने वाला बच्चा अपने चाचा था और उनका भी ध्यान नहीं रखता, उनको पता नहीं है कि उनके चाचा था कौन है। आगे जब नाम है ये जदर से ये दोनों बच्चे नहीं पहुंची है तो मैं उनको भेज दूं बेटा। दामा हमारे बीच में पहुंच नहीं सकी तो उनके परिवार से आए हैं, उनको भी बोलो विष्णु भगवान की। पुत्री अनूप वो बच्ची स्टेज पे जाए जिसने अपने गांव का नाम किया। पहले ये स्टेट बैठी है, स्टेट चैंपियन थी अपनी हरियाणा की,
जिन्होंने आगे नेशनल में पार्टिसिपेट किया। सूक्ष्म राम प्रकाश संतोष पुत्री, ये इसके पिताजी का नाम मुझे थोड़ा सा मालूम नहीं पहुंच पाई है, कोमल बेटी जाए और इनका सम्मान जो स्टेज से ले ले क्योंकि उनके घर तक पहुंचाने का कष्ट भी वो करे। पुत्र वासी वो यहाँ स्टेज के पास आ जाए और सुमित पुत्र सुंदर वो भी स्टेज पे जाए। इन्होंने इस नेहर की रिपोर्ट को बना करके और जो हमारे दिल्ली में बड़े बैठे हैं प्रधानमंत्री तक इन्होंने हमारी रिपोर्ट को पहुंचाया था और वो काम आज हो रहा है, इन्हीं की बदौलत हो रहा है। इन्होंने उस रिपोर्ट को बनाया था और बताया था कि किसानों की क्या हालात है, पानी खेतों में नहीं जा रहे। मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं ऐसे पत्रकारों का जो हमारे बीच में आते हैं और ऐसी चीजों को उठाते हैं। मैं अनुरोध करूं कि वो पत्रकार साहब जी स्टेज पे आए और अपना सम्मान लेवल पर भी हमारे कम से कम भी 3 से 4 बार लगातार गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी हमारे आए हुए हैं। तो बच्चों को आप मोटिवेशन भी करें और भी जो विभिन्न गेम जो है मैंने कुछ सर को भी बताए हैं, रोप जंपिंग के हैं, रोप स्कीपिंग के हैं, जो छोटे गेम हैं उसमें भी बच्चे हमारे मोटिवेशन हो सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। उसके अंदर भी ग्रेडेशन है, गवर्नमेंट जॉब भी है, काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। अपने पास कोच है वो संस्था के कोच होते हैं और ये जो है ये सरकार के हैं। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है इनके साथ में जो कोच गए थे उन्हें भी जो है सम्मानित किया गया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इन्होंने अपना थे 2 बच्चियां जींद से थी, 2 झज्जर से थी, 2 गंगा गांव से थी और 1 एलनाबाद से लड़की थी। अलग अलग गांव से जो है लड़कियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसके तहत अब जो है ग्रामवासियों की तरफ से जो खैरमपुर गांव की तरफ से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बच्चों को जागरूक करें और बच्चों को बताएं। नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम हिसार जिले के गांव सारंगपुर में हैं और यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो महिलाएं भी बैठी हुई हैं और जो है बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है और गांव के मुख्य सरपंच साहब भी मौजूद हैं, बीडीसी ब्लॉक मेंबर भी यहाँ मौजूद है, सभी जो है यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और दूसरा कि यहाँ पर जो है शिव पुराण का कार्यक्रम जो है रखा गया था उसी के तहत कुछ बच्चे जो है और कथावाची का खेल प्रतियोगिता में खेल कर आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और यहाँ आदमपुर हल्के के गांव सारंगपुर में यहाँ बच्चों को जो है सम्मानित भी किया जाएगा जो जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, मतलब अलग अलग जिले से जो है बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और बाकी की बातें हम यहाँ के जो मुख्य वक्ता है और जो यहाँ के जो लोग हैं जो जैसे सरपंच साहब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि भी इन बच्चों के बारे में उनका क्या कहना है। ये मत सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा है, आज पूरे भारत में आप दिखाई दे रहे हो, वो भी हमारे बीच में, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे गांव के सरपंच राम सिंह जी भी हैं, उनके साथ में ब्लॉक समिति के चेयरमैन वो भी हमारे बीच में है और जो टीम मदुरई तमिलनाडु में जो ये बच्चियां खेलने के लिए जरूरत पड़ जाए थे मन कह दियो आधी रात बच्चे के लिए तैयार हूँ कि ये बच्चा को कितने टेस्ट है पेपर देने उसके घर को नहीं जा सके, मेरे काम में छोड़ और बच्चा आगे जान खातर में आधी रात तैयार हूँ। अब हम सम्मानित की जो अरे चंद्र चंद्र गए भाई नौकरी भी कोई लाएगी, अरे मैं तो लगी बोलो विष्णु भगवान की। हमारे नवि कथा सुनी है करते हुए बहुत बहुत सभी का। और अब जो है मैं अनुरोध करता हूँ मुकेश जी से आए और वो बच्चों के लिए कुछ शब्द कहें और खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। और यहाँ पर जितने भी हमारी माताएं बहने हमारे बुजुर्ग हमारे छोटे भाई बच्चे सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। और जो भी बच्चे यहाँ से
आपके गांव से खेल के आए हैं, ये स्टेट में भी गए थे। आपके इसी गांव की एक लड़की सुक्षम, उसने अंडर 18 में पहली बार हिसार से नेतृत्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता था, उसके लिए बहुत तालियां। क्योंकि जिस गेम के हम आज सर्टिफिकेट इनको नेशनल तक यहां से लेकर गए हैं, यहां से कोई भी बच्चा नहीं जाता था। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, जींद, ये जो 5-6 जिले थे जो बिल्कुल अनजान थे कैरम बोर्ड से, कैरम बोर्ड एक ऐसा गेम है जिसमें सभी बच्चे या उनके माता पिता किसी ना किसी टाइम में एक टाइम उन्होंने खेला हुआ है कैरम। अपने जब भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, नाना नानी के कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले कैरम बोर्ड मंगाया जाता है। उस कैरम बोर्ड के गेम को हम वहीं तक खत्म कर देते हैं। आज यही बच्चे उस गेम के लिए नेक्स्ट हैं। अगर इनको बहुत अच्छा अगर इन्वायरमेंट यहाँ से मिलता है, यहाँ से स्कूल से बहुत अच्छा सहयोग मेरे को, सबसे पहले राकेश गोदारा जी इनके स्कूल के टीचर हैं उनसे मिला, उसके पश्चात हमें यहाँ से स्कूल का जितने भी हमारे टीचर थे, बलवंत जी थे वो भी खेल के आए, उसके बाद हमारे साथ अभी ओम प्रकाश जी हमारे साथ में गए थे वो भी, और प्रेम जी आपके बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर टीचिंग डिपार्टमेंट में ही है वो भी, तो बहुत सारा सहयोग आपके स्कूल से हमें काफी अच्छा यहाँ से मिला। उसके तो ये है मास्टर जी और ये जो बच्चों के साथ में गए थे, अभी इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का इनका दौरा रहा और किस प्रकार की जो है आज ओलंपिक में ये खेल कर आए हैं, बाकी की बातें मास्टर जी करना चाहेंगे। हाँ जी सर, पहले तो अपना ब्यौरा दीजिए। ये हरियाणा की एक 48वीं कैरम प्रतियोगिता थी जो राष्ट्रीय स्तर पर मदुरई में आयोजित की गई, और इस दौरान हरियाणा के विभिन्न जिलों से बच्चे, गर्ल्स और बॉयज, जो कि 6-6 की श्रेणी थी, टीम गई थी 12 बच्चों की टीम, जिसमें से हरियाणा की टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। क्वार्टर फाइनल तक इन्होंने पूरा वहां पर अच्छे तरीके से मैच जीतते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। और इस प्रतियोगिता के दौरान इससे पहले हरियाणा में गुड़गांव के अंदर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, उसके गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट ये सभी बच्चे हैं। और अभी कहाँ खेल के आए हैं सर? ये तमिलनाडु में मदुरई के अंदर खेल के आए हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे था जिसमें बच्चों की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। बहुत अच्छा। तो व्यवस्था किस प्रकार की थी वहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से थी, खेल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, और रहने की व्यवस्था गर्ल्स की हॉस्टल्स। आप कोच हैं सर? मैं टीम मैनेजर के रूप में गया था जी, बच्चों के साथ में। और हरियाणा हिसार, भिवानी, सिरसा, इस तरफ जोन का मेरे को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो आप अभी नेशनल लेवल पे खेल के आए या स्टेट पे खेल के आए? राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आए। राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आए। तो सरकार की तरफ से कुछ बच्चों को प्रोत्साहन वगैरह कुछ किया है? सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों में प्रोत्साहन मिल रहा है, हरियाणा राज्य की तरफ से भी काफी प्रोत्साहन मिलता रहा हमें। कितने बच्चे आपके साथ गए थे? हमारी तरफ से 12 बच्चे गए थे, 6 गर्ल्स और 6 बॉयज। मतलब कितनी कितनी एज के बच्चे होंगे? ये अंडर 18 टूर्नामेंट थी जी। तो मैंने आपका भी आपने जैसे दिखाया वहाँ पर लड़कियों की तादाद ज्यादा देखने को मिली इसमें? लड़कियों की तादाद अब 3 बच्चे खैरमपुर, दो बच्चे खैरमपुर के थे सारंगपुर से, और एक जींद से थे राहुल, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए वो पहुंच नहीं पाए। 2 बच्चे गुड़गांव की तरफ से थे। सारंगपुर के कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे गुरमेश और सुमित। तो इनको यहाँ सारंगपुर में सम्मानित किया गया, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं सारंगपुर गांव की तरफ से? गांव का बहुत अच्छा सहयोग है कि आपके इनके बच्चे और जो विभिन्न जिले के जो बच्चे थे उनको सभी को सम्मानित किया गया है, और ऐसे आयोजन बच्चों को मोटिवेशन भी करते हैं ताकि आने वाले समय में जितने भी बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेशन होकर गए हैं, एक आपस में उनका गांव लेवल पर उनके आयोजन किया गया है। इन प्रोत्साहन कैरम प्रतियोगिता में खेल के आए थे बच्चे सर? कैरम प्रतियोगिता के अंदर गए थे, ये राष्ट्रीय स्तरीय 48वीं प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप इन बच्चों को या इनसे अलावा उन बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सभी बच्चों का संदेश यही है कि अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, उसके बाद स्टेट स्तरीय जो प्रतियोगिताएं अभी आयोजित होने वाली हैं 2024 की, उन बच्चों को इन बच्चों से सीख के गांव के या और विभिन्न जो जिलों के बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस खेल को जो हमारा बहुत ही पुराना खेल है, जो बचपन से ही ये बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब विलुप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा था, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए गर्मी की छुट्टियों में मोस्टली सभी बच्चे, जब भी छुट्टियां होती है तो कैरम हर घर में खेला जाता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि ये खेल भी एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जा रहा है। ठीक है जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है, गाँव सारंगपुर से हूँ मैं, पूर्व पंच, पूर्व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रधान। ठीक है जी। तो आप अभी जो बच्चे खेल के आए हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके गांव ने जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भी बुलाकर यहां पर बुलाकर सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन दूसरे जिले के बच्चों को यहां बुला करके
अन्य गांव में जो है सम्मानित करना, ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? देखो सर जी, जहां तक बात मान और सम्मान की है, ये जो हमारी बेटी है, हाँ जी, ये किसी एक गांव की या एक घर की बेटी नहीं होती, बेटी ये सभी की होती है। इसलिए हमने जो गांव में ये जो शिव महापुराण चल रहा था, गांव की तरफ से और सभी ने कहा भाई सभी बच्चों को हम यहां बुला करके सम्मानित करें। तो कुछ बच्चे आज पहुंच पाए, कुछ बच्चे किन्हीं कारणवश किसी का मैच था या कोई और दिक्कत हो गई, कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए, उनका सम्मान हम उनके घर तक पहुंचाएंगे जी। तो बच्चे किस प्रकार का गेम जो है खेल करके आए थे आपके गांव में? बच्चों ने जो है कैरम का गेम खेला था सर, और वहां लगभग 20 राज्यों की टीम भाग ले रही थी तमिलनाडु मदुरई में। तो ये हरियाणा की तरफ से जो बच्चे खेल रहे थे, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था, जबकि हरियाणा की टीम पहली बार कैरम की जो है नेशनल में खेलने के लिए गई है। तो कितनी लड़कियां आपके गांव से? मेरे गांव से थी या लड़के थे? दो लड़के और एक लड़की थी जी। तीन बच्चे। हमने वहां तादाद देखी आपकी, जब आप सम्मानित कर रहे थे लड़कियों की तादाद ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि आज जो लड़के मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़के का पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो नहीं पहुंच पाया, और दो तीन लड़के पहुंच नहीं पाए। जैसे कि लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, तो लड़के जो है नशे की तरफ जो है कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं जी कि नशे से दूर रहें। जैसे मेरा गांव है अभी, मैं आपको 100% ये बताता हूँ कि इस गांव के अंदर नशा नहीं है, कोई भी बच्चा किसी प्रकार का नशा नहीं करता। और आपने तो राम प्रकाश जी देखा, यहाँ जो सबसे बड़ा मैदान है शायद हिसार डिस्ट्रिक्ट में, इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए नहीं है जितना गांव सारंगपुर में। यहाँ आप कभी शाम को आओ देखो, लगभग 200 से 250 बच्चे खेलते मिलेंगे आपको। तो एक हमने अभी मास्टर जी बता रहे थे कि आपका बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, और स्कूल में भी आपने बहुत काम किए हैं, तो किस प्रकार से आप इस तरह के काम करते हैं? गांव का सहयोग मिलता है या पंचायत का सहयोग मिलता है, कैसे आप करते हो इन सब चीजों को? मैं इन सब चीजों में करने में, एक तो मुझे आनंद महसूस होता है जब भी मैं कोई जनसेवा का कार्य करता हूं। तो जी सहयोग की बात रही तो मेरे साथ में सूरज सिंह जी खदा है, राम सिंह जी है, चिरंजी लाल जी है, सरपंच साहब है। मैं अगर किसी को गांव में बोल दूं भाई ये काम करना है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मना नहीं करते और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं मेरे साथ। तो आप पैसे से किसान हैं? हाँ मैं पैसे से किसान हूँ सर, वैसे मैंने बीए की और एलएलबी किया हुआ हूँ मैं। अच्छा जी, एलएलबी है। तो अभी जो किसानों की जो हालात है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की हालात बड़ी खराब है सर, सरकार हमारी कल भी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि हुई है सर, हमारे जो है हमारे दूर से थोड़ा क्षेत्र है उसमें हुई है, तो ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है भाई, जब सरकार साथ नहीं देती तो परमात्मा भी साथ नहीं देता। बिल्कुल जी। अच्छा एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आप हमको बार बार बुलाते हैं, हम LNI न्यूज से हैं और पहले भी मैं आपके पास दो बारी आ चुका हूं, आपने हमें सम्मानित भी किया, क्या कारण है जो आप हमें बार बार बुलाते हैं? पीछे हमने आपकी एक कवरेज की थी रजवाई को लेकर के, नाले को पानी की समस्या को लेकर, किसानी खेती की, तो उसका काम आपका सिरे चढ़ा या नहीं चढ़ा? जब आपने जो वो रिपोर्टिंग की और वो रिपोर्टिंग जब आपने दिल्ली के दरबार तक पहुंचाई, उसके बाद में उस पर एक्शन होना शुरू हुआ और अब जाकर के वो काम शुरू हो चुका है। लगभग एक हिस्सा नहर, चार हिस्सों में से एक हिस्सा बन चुका है। और अब आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी एक गांव की स्पेशल एक दिन आकर के और न्यूज बनाएं। एक हमारा स्कूल है जो इसको प्लस टू का करवाया जाए, और एक हमारे जो खांसा गांव से सड़क आती है बिल्कुल डैमेज है, टूटी हुई है, 2 साल से कच्चे रस्ते की तरह हुई है, और कलराउंड से जो गांव सारंगपुर को आती है वो भी टूटी हुई है। तो इन रस्तों की मांग जो हमने हमारे MLA से हमने कर ली, MP तो हमें शायद, तो उसमें कुछ निकल के आया जो आपके एरिया के MLA भव्य बिश्नोई जी? तो अभी तक कुछ नहीं हुआ उसपे काम सर जी? इतना तो पता है भाई हमारे MLA भव्य जी हैं, हमारे भी हैं और हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, क्योंकि हमें तो जाना कहीं और है ही नहीं, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी थे, उनके परिवार से हम कोई दूर जाने वाले कहीं है ही नहीं, लेकिन काम के मामले में वो काफी जो है ढिलाई रखते हैं। क्या कारण है सर इस बात का? पता नहीं सरकार काम उनके करते नहीं, या उनकी कराने में काम दिलचस्पी नहीं है। हमने शायद लगभग, ये राम सिंह जी बैठे हैं मेरे साथ में, इनको पता है कि इस प्लस टू के स्कूल के लिए शायद हमारे ये जूते हैं ना ये घस गए उनके पास जा जाके। बहुत गलत बात है सर फिर तो, ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं राम प्रकाश जी के, हमने टीचर जो हमारे स्कूल में नहीं थे, हाँ जी, हमने 4 बार हमारे MP और MLA से मिलकर कहा कोई टीचर भेजाओ, कोई टीचर भेजाओ, कहते हैं अब भेजा रहे हैं, कल भेजा रहे हैं, लेकिन हमने हमारे लेवल पे, गांव लेवल पे एक महिला टीचर को रखा, हमारे अपनी जेब से जैसा भी हम जैसे वैसे हैं उनको दे करके उनको रखा। ठीक है, पहले अपना नाम बताओ। सुक्षम। सुक्षम, तो आप भी कैरम बोर्ड जो है नेशनल प्रतियोगिता खेल के आए हैं? यस सर। कहाँ गए थे खेलने के लिए? तमिलनाडु गए थे, तो कैसा रहा वहाँ का अनुभव, क्या देखा आपने तमिलनाडु में? बहुत अच्छा था सर, हमने बहुत कुछ देखा था। अच्छा जी, तो आप नेशनल लेवल पर खेल के आए हैं, तो वहाँ से आने के बाद में आपको यहाँ सम्मानित किया गांव सारंगपुर में, तो आप गांव के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारे गाँव के लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं।
तो लड़कियों की तादाद थी ज्यादा या लड़कों की तादाद थी खेलने में? लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। तो लड़के पीछे क्यों चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, कुछ आप बताएंगे इस बारे में? नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं, जैसा आपको ये नहीं लगता कि लड़के जो है नशे की ओर खींचे चले जा रहे हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही हैं? तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लड़कियों को या लड़कियों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि भी खेल के क्षेत्र में आगे पढ़े, अगर जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो? सर इससे पूछ लो। बेटा अपना नाम बताओ आप पहले। सर मेरा नाम सिमरन। अच्छा जी, तो आप भी गए थे तमिलनाडु खेलने? हाँ जी सर। तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें विस्तार से? हाँ, मतलब ठीक था, बस वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम थी हमें। अच्छा जी, खाने में क्या था वहाँ पर? वहाँ पर मतलब नॉन वेज ज्यादा था, और हमारे यहाँ पे मतलब रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं ना जी, वेज खाते हैं। तो आप नेशनल स्तर पर खेल के आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, हमारी फैमिली वाली सपोर्ट करती है हमें खेलने के लिए। तो आपको यहाँ सारंगपुर में जो है सम्मानित किया गया है, कैसा लगा यहाँ पर गाँव के बीच? बहुत अच्छा लगा, सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया, सभी लड़कियों को ज्यादा वो कर रहे हैं आजकल। तो आगे अब आप दोबारा जब मान लीजिए खेलने जाएंगे, तो क्या उसमें आपको मतलब अजीब सा फील नहीं होता कि भी हम बाहर जाते हैं यहाँ से खेलने के लिए, कुछ डर सा या भय सा देखने को मिलता है? होता तो है सर, लेकिन जब सभी सपोर्ट करते हैं तो अभी इतना नहीं होता, सभी साथ हैं हमारे। हाँ जी सर। ठीक है बेटा। तो ये वो लड़कियां थी जो नेशनल खेल कर आई है कैरम बोर्ड में। तो आज हम इनसे बात की और इनसे अनुभव जानने की कोशिश की कि भी किस प्रकार का वहाँ आपका जो है दौरा रहा और कैसे खेल प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया। तो ये सभी बातें हमने इनसे पता की और जो गांव के लोग थे उनसे भी बातचीत की। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत, और आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक।